हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। होगी कुछ बदलावों की पेशकश कर सकती है सरकार। बैठक से पहले किसानों का सख्त रुख भी सामने आया है। किसानों को कोई संशोधन स्वीकार नहीं है। 8 दिसंबर को भारत बंद का किसानों ने ऐलान किया है, तो आखिरी चेतावनी किसानों ने दी है और साफ कहा है कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब से थोड़ी देर में किसान संगठनों और सरकार की बैठक होनी है और उसमें ये देखना है कि कुछ आज निष्कर्ष निकल कर आता है या नहीं। हालांकि सरकार ने कुछ नरमी के रुख जरूर दिए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने के लगातार किसान जो है वो मांग कर रहे हैं। एमएसपी को कानूनी प्रावधान देने की मांग कर रहे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, तो किसानों ने एक तरह से चेतावनी दी है। कल ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना आंदोलन न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि 8 दिसंबर को भारत बंद भी करेंगे। हम इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या है अभी स्थिति? क्या आपको कुछ पता चल पाया है? क्या बैठक सरकार और किसान संगठनों के बीच शुरू हो पाई है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आवास पे गृह मंत्री और साथ ही साथ रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री के साथ एक बैठक की, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद सरकार और किसानों की एक बैठक बुलाई गई थी दिल्ली के विज्ञान भवन में। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी क्योंकि अभी जो किसान प्रतिनिधि मंडल है वो विज्ञान भवन पहुंच गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पांचवें दौर की जो बैठक है अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने भी कृषि मंत्री राज्य यानी कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ एक वार्ता की, तो कहीं ना कहीं उसी से ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि किसानों के पक्ष में आज फैसला आ सकता है और साथ ही ऐतिहासिक दिन भी हो सकता है। जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से किसानों की मैं बात करूं वो डटे हुए हैं और दिल्ली के तमाम हरियाणा के जो वोटर हैं वहाँ वो डटे हुए हैं, और जिस तरीके से किसानों ने एक प्रेस वार्ता करके स्पष्ट कर दिया यदि आज सरकार नहीं चेतती है, इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो आने वाली 8 तारीख को वो देश यानी कि भारत बंद का ऐलान उन्होंने कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर काफी दबाव बनता नजर आ रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि जैसे ही बैठक शुरू होती है तो सरकार और किसान के बीच कोई बीच का विकल्प या फिर किसी मुद्दे पे सहमति बन पाती है नहीं। क्या संजय, आपकी जो बात किसी किसानों से हुई है, क्योंकि सरकार ने जो संकेत दिए हैं वो संकेत ये है कि हो सकता है कि कार्यकारी प्रस्ताव लाया जाए, एक ऐसा आदेश पारित किया जाए जिसमें कि किसानों को एमएसपी दिया जा सके। इसके अलावा जो आपत्तियां हैं किसानों को जिन बिंदुओं पर लेकर, उसमें भी संशोधन के लिए सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं उसमें कुछ सरकार नरमी दिखा सकती है। ऐसे में क्या किसान इसी बात पे मान जाएंगे या फिर उन्हें यही चाहिए कि नहीं, कृषि कानून वापस ही होना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक प्रपोजल एक प्रस्ताव जरूर रखा गया था पहली मीटिंग में, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया, जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया था किसानों के द्वारा यदि सरकार 3 कानून बिल वापसी नहीं लेती है तो हमारा जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। और दूसरी तरफ एमएसपी पर लिखित किसान चाहिए, कहीं ना किसान 2 मांग है और उस पर अटल वो है, और साथ ही साथ चौथे दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें किसानों की तरफ से 8 उनको एक लिखित में शिकायत जरूर दी गई थी। कुछ मुख्य बिंदु उसमें लिखे गए थे, जिस तरीके से पराली की मैं बात कर लेता हूं या फिर किसानों के साथ जो भारी बिक्री को लेकर, उसमें तमाम वो मुद्दे थे जिस पर किसानों की मांग रखी गई है उनके समक्ष, लेकिन आज की जो वार्ता है वो काफी महत्वपूर्ण जरूर मानी जा रही है। यदि आज किसानों की पक्ष नहीं आता तो जिस तरीके से किसानों ने सरकार को पहले ही चेता दिया है कि आने वाली 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसान कर चुके हैं। क्या ये जो किसान आंदोलन है, आप तो लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, क्या ये अब राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं राजनीति की बात करूं, तमाम राजनीतिक दल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो कौन प्रेस वार्ता के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से वो जरूर इसमें इन्वॉल्व जरूर हो रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे किसान नेताओं की माने तो वो किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं ले रहे हैं। यदि वो राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की मदद करेंगे तो वो जरूर स्वीकार करेंगे, अन्यथा किसी भी राजनीतिक दल का वो समर्थन नहीं लेंगे।
संजय, एक सवाल यह भी है कि किसानों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 8 दिसंबर को तो भारत बंद करेंगे ही, साथ ही जो टोल प्लाजा उसको भी फ्री करा देंगे, तो क्या इसके लिए कोई दिन निश्चित किया गया है किसानों की ओर से, या फिर भारत जिस दिन बंद करने का इन्होंने ऐलान किया है 8 दिसंबर को, उस दिन टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे? जी, जिस तरीके से अभी सरकार और किसानों की वार्ता चलेगी उसके बाद उस वार्ता में क्या चीजें सामने निकल के आती हैं उसका इंतजार जरूर किसान कर रहे हैं। किसानों के जो जत्थे अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं, उसी के बाद जैसे ही इस बैठक का कोई निर्णय निकल के सामने आता उसी के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। संजय, 10 दिन करीब हो गया किसान आंदोलन का और अभी तक कोई फाइनल निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया, ऐसे में सवाल है कि ठंड का मौसम है और लगातार दिल्ली के आसपास जिस तरह की ठंड बढ़ती है उसको लेकर किसानों की परेशानी बढ़ सकती है, क्या किसान ये चाहते हैं कि मामला का जल्द से जल्द निपटारा हो, या फिर चाहते हैं कि जब तक निपटारा ना हो तब तक वो वापस ही नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, आज की वार्ता है जो किसानों और सरकार के बीच ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज ही की जो बैठक है वही निर्णय उसी बैठक में निर्णय होगा कि आज यदि किसानों की बात सरकार मान ले तो किसान अपने घर लौटते हैं, अन्यथा जो ये धरना प्रदर्शन है, जो ये रोष प्रदर्शन है, जो उनका विरोध है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। जिस तरीके से तमाम प्रदेशों के किसान अब दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं और किसानों का जो समर्थन मिल रहा है और साथ ही साथ जो अन्य संगठन है वो भी आगे बढ़ चढ़ कर किसानों के साथ आगे बढ़ने की चलिए संजय, आप किसान आंदोलन पर नजर बनाए रखिए हमारे साथ।